और अब आगे बढ़ते हुए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर्स के आंदोलन में शामिल हुए हैं। सभी टीचर सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर अस्थाई नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं सिद्धू ने कहा कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है। दिल्ली सरकार में 1031 स्कूल हैं, जबकि सिर्फ 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। 45% शिक्षक पद खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स द्वारा दैनिक वेतन पर स्कूल चलाए जा रहे हैं। हर 15 दिन पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है। आपको बता दें कि सिद्धू के इस कदम को कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को जवाब माना जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली के सीएम भी पंजाब में ऐसे ही एक आंदोलन में शामिल हुए थे और वहीं सिद्धू ने कहा कि आपने संविदा शिक्षकों को अस्थाई कर्मचारियों का समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन गेस्ट टीचर्स होने से स्थिति और खराब हो गई है। स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से तथाकथित आप वॉलंटियर सरकारी फंड से सालाना 5 लाख कमाते हैं, जो पहले स्कूल के विकास के काम आते थे। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अजय, जिस तरह से तस्वीरें आज दिल्ली से सामने आ रही हैं, ऐसे में बदले का खेल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले सीएम केजरीवाल जाते हैं पंजाब, जहां पर वो टीचर्स के साथ शामिल होते हैं और वहां के एजुकेशन मॉडल को लेकर सवाल उठाते हैं। अब सिद्धू ने उल्टा गेम चल दिया है, यानी कि जो केजरीवाल का मास्टर प्लान था उसमें केजरीवाल खुद फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंजाब के अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हुए हैं और सीएम केजरीवाल के घर पर सुबह से ही धरने पर हैं। यानी टीचर्स अगर बात करें, वहाँ पर काफ़ी टीचर उनके घर पर हैं। ये अगर दिल्ली की बात करें तो 22,000 के आसपास ऐसे टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो दिल्ली की जो उनकी जो मांग है वो परमानेंट करने की बात है। क्योंकि देखिए, हमारे साथ कांग्रेसी प्रवक्ता अलका लामा जी हैं, हमसे बात करेंगे। अलका जी, जिस तरीके से पंजाब के अंदर केजरीवाल जी ने सवाल खड़े किए, उसको लेकर दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं सिद्धू जी, वो यहाँ मौजूद है, क्या लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसका कुछ? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। नवजोत सिंह सिद्धू जी पंजाब से चलकर दिल्ली उन्हें आईना दिखाने आए हैं। उनके घर के बाहर, अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर 20,000 गेस्ट टीचर इकट्ठे हुए, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन टीचरों से बात करने के लिए दिल्ली में होना चाहिए था, वो गोवा की हवाओं में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं तो जहरीली हैं, तो वो गोवा जाके बैठ गए हैं। अब बात यह है कि कौन सा मॉडल लेकर आप गोवा या पंजाब अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, उस मॉडल की पोल तो दिल्ली के अंदर आज नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खोल दी उनके टीचर्स के साथ। आज केजरीवाल जी को 2022 फरवरी में 7 साल पूरे हो जाएंगे और वो उस सरकार से सवाल करने पंजाब जा रहे हैं जिन्हें मात्र 5 साल हुए, आपको 7 साल हो गए। वहां के टीचर का दर्द जो है वो बिल्कुल, हमारे जो प्रगट सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देकर कर रहे हैं कि दोनों का मॉडल, दोनों के टीचर्स कितने होने चाहिए और कितने हैं, कितने टीचरों की भर्ती नहीं हुई है, क्लासें हैं लेकिन अध्यापक पढ़ाने वाला नहीं है। देखिए अजय, अजय आप जरा इनसे पूछिए, अलका लांबा जी से बात करके जानने की कोशिश करिए कि जिस तरह से क्या पंजाब में जो सिचुएशन है, दिल्ली में जो सिचुएशन है, ऐसे में तो जो शिक्षक हैं और जो संविदा शिक्षक कर्मी हैं वो फंस रहे हैं ना इस राजनीति में। स्थिति तो हर जगह की सुधारनी चाहिए। कांग्रेस अगर पंजाब में स्थिति सुधारे तो बेहतर होगा और दिल्ली में अगर आप पार्टी स्थिति को सुधारे। मैं वही कह रही हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली के इन अध्यापकों को न्याय नहीं देना, दिल्ली के जो 20,000 गेस्ट टीचर को न्याय किसने देना? दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं देना, वो दिल्ली छोड़ के गोवा बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं दिल्ली से। जहां तक पंजाब की बात है, हम अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से भाग कौन रहा है? प्रगट सिंह जी लगातार संपर्क में, मीटिंगें हो रही हैं और 20 दिन चुनाव आचार संहिता के रह गए हैं। हमें मालूम है पंजाब में चुनावों की घोषणा हो सकती है और हमें जो काम हमारे रह गए वो हमें करने हैं, लेकिन दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का ठग, वहां ठग मैं कहूंगी, क्योंकि दिल्ली ठगी जा चुकी है, नहीं ठगे गए होते अध्यापक तो यहाँ नहीं दरवाजे। लेकिन अलका जी, आप जरा सोचिए कि पंजाब में चुनाव होने हैं और कुछ टाइम बाद वहां पर आचार संहिता शुरू हो जाएगी, तो जो डिसीजन लेना है वो पहले लेना है ना। जब वहां पर चुनाव शुरू हो जाएगा उसके बाद आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और रहा बात दिल्ली का जो सवाल है, दिल्ली में तो अभी केजरीवाल जो है काम कर रहे हैं और जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है उसको लेकर वहां पर वो पहुंचे हुए थे, तो जाहिर तौर पर अब क्या ये माना जाए कि बदले की यहां पर राजनीति चल रही है? अगर वो सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे तो अब दिल्ली का रुख किया जा रहा है?
आपने बड़ी आसानी से सर्टिफिकेट दे दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा काम कर रहे हैं अलका जी, आप मेरी बात पे गौर करिए। मैंने ये कहा कि अभी दिल्ली सरकार के पास समय है, लेकिन आपके पास अब समय नहीं बचा क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। सवाल इतना बड़ा है कि इतना बड़ा तो मेरा जवाब ही नहीं है। नहीं, इलेक्शन नजदीक है ना पंजाब में, सवाल मेरा ये था, आपने गलत वे में लिया है। नहीं, आप मेरे को बात कर लूं, मैं आप अपनी सफाई बाद में दे दीजिएगा, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ, हमें मालूम हमारे 5 साल पूरे हो रहे हैं, हमारे 80% से अधिक काम हो चुके हैं, 20% काम बाकी है, हमें भी पता है। हम नहीं करेंगे, चुनाव में जाएंगे, वोट मांगेंगे, हमसे सवाल होगा, हमें मालूम है इसका नुकसान हमें हो सकता है। लेकिन दिल्ली के जो जवाबदेही है उससे केजरीवाल को भागने कैसे दिया जाएगा कि आप दिल्ली देख नहीं रहे, गृहवान में झांक नहीं रहे, आप पंजाब जा जाके वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपको ये अधिकार नहीं है, आपको अपने गिरेबान में केजरीवाल को झांकना है। और दिल्ली के गेस्ट टीचर जो आपके घर के दरवाजे पर बैठे, गोवा छोड़िए, दिल्ली आइए, उनकी सुनवाई करिए, कैबिनेट की मीटिंग बुलाइए, उनकी नौकरी पक्की करिए, जिनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही उन्हें तनख्वाहें दीजिए, ये हमारे उनसे मांग है। और दिल्ली की होने के नाते मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग नहीं करूंगी इन गेस्ट टीचर के लिए, मैं दिल्ली की आगे आगे जब आएगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी ये सवाल किया जाएगा। लेकिन अभी आप जुड़ी हैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूं कि पंजाब में जो ये सिचुएशन है वो कब तक सही हो जाएगी, जो टीचरों को लेकर सिचुएशन है? नहीं, आपको पता है, ये दर्शकों को बताइएगा कि 10 साल भाजपा और अकालियों की 10 साल लगातार सरकार रही, डबल इंजन की रही। केजरीवाल जो हमारी जो पंजाब में सरकार है मात्र 5 साल हुए, चन्नी जी को 5 महीने भी नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए, लगातार कलम से फैसले हो रहे हैं और एक तरफा पंजाब उनकी तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है। ये बौखलाहट है बीजेपी की बी टीमों में, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, सब पंजाब गोवा पहुंच गए, क्योंकि दिख रहा है कि भाजपा को इन राज्यों में या भाजपा की बी टीमों को कांग्रेस अकेले अपने दम पर टक्कर दे रही है। इसलिए मात्र टीचरों को लेकर पंजाब में है वो कब तक सही हो जाएगी? आपने सुना, आचार संहिता से पहले हमें करना ही करना है, अगर नहीं किया तो नुकसान हमारा ही है, ये तो मैं स्वीकार रही हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि पंजाब सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ भी किया वो दिल्ली के केजरीवाल ने ही किया है, दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अलका लांबा जी ने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब में इलेक्शन शुरू होने से पहले ही जो टीचरों को लेकर सिचुएशन पंजाब में है वो सही हो जाएगी, यानी कि जो अस्थाई टीचर्स हैं उनको अस्थाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी आचार संहिता लगने से पहले। अब देखना यह होगा कि अलका लांबा जी ने नेटवर्क 10 पर ये जो दावा किया है वो किस तरह से दावे जो हैं सही साबित होते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल अजय चौहान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।